नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र की टाटी मिरबिघा से पुलिस ने साइबर अपराध में लिप्त 20 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ी बाड़वा पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी महेश चौधरी ने वारिसलीगंज थाना में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक अमरेश राहुल के निर्देश पर SDPO के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें SWAT टीम को शामिल किया गया। उक्त टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर टाटी मिरबिघा के बधार में त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी में कुल 20 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है। इनके पास 25 मोबाइल, 22 नोटबुक एवं काफी संख्या में कस्टमर डेटा बरामद किया गया है। पकड़ाए अपराधियों से पूछताछ करने पर पता चला कि ये लोग कस्टमर डेटा में उपलब्ध नंबर पर फोन कर बोलते हैं कि आपका नंबर लकी ड्रॉ में निकला है, जिसका प्राइस अमाउंट है 7,80,000 रुपया। यदि आपको कार्ड लेना चाहते हैं तो 1,999 रुपया डिपॉजिट करना होगा। यदि कैश लेना है तो कैश 10 मिनट में आपके खाता नंबर पर जमा हो जाएगा। कार्ड लेना है तो कार्ड 3 दिन के अंदर आपके पता पर पहुंच जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिना रजिस्ट्रेशन के प्राइस इनाम को नहीं भेजा जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में 1,999 रुपया जमा करना होगा। इसी तरह प्रलोभन देकर लोगों को अपने जाल में फंसा कर रुपए ऐंठते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय नवादा के द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी का निर्देश दिया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 7/10/2023 को एक सूचना मिली ग्राम भोजपुर के बगीचा में एवं मिरबिघा के पधार में साइबर अपराधियों के द्वारा साइबर गतिविधियां की जा रही है। सूचना के सत्यापन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पट्टी ब्रामा के नेतृत्व में थानाध्यक्ष वारसलीगंज एवं बजरा की टीम एवं जिला के स्वाट की टीम के द्वारा का गठन किया गया और ये सारे टीम मिलकर उक्त सूचना का सत्यापन एवं गिरफ्तारी हेतु उक्त स्थल की घेराबंदी की गई। घेराबंदी के क्रम में साइबर अपराधियों जो इस स्थान में संलग्न थे उन लोगों को घेराबंदी क्रम भागने के क्रम में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। करीब 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ भागने में सफल हो गए हैं, जिनकी पहचान की जा रही है और पहचान के बाद उन्हें भी त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार की जाएगी। जिन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से एंड्रॉयड मोबाइल जिसकी संख्या 19 एवं कीपैड मोबाइल जिसकी संख्या 6 यानी कि कुल मिलाकर 25 मोबाइल जब्त की गई है और कस्टमर डाटा करीब 115 पन्ने का बरामद किया गया है। साथ ही नोटबुक 22 की संख्या में बरामद की गई है आदि की कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ जारी है और साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। इन अपराधियों का काम ये रहता है कि ये होने वाले लोगों को लोन के नाम पे, खासकर जो ये अपराधी पकड़े गए हैं ये धनी फाइनेंस के नाम पे लोगों को ठगते हैं और उन्हें प्रलोभन देते हैं। जो भोले भाले लोग हैं वो इनके झांसे में आ जाते हैं और उनसे ये जो है अवैध तरीके से उनके खाते से या फिर उनके अन्य माध्यमों से उनसे राशि वसूल करते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। हमारे टीम के द्वारा, खासकर वारिसलीगंज टीम के द्वारा जिला से जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उनके परिप्रेक्ष्य में सघन छापेमारी की जा रही है और ये छापेमारी लगातार चलती रहेगी। और भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी क्षेत्र में वैसे अपराधी हैं जो साइबर से जुड़े हुए हैं उनको गिरफ्तारी की जाए। धन्यवाद सर। वारिसलीगंज क्षेत्र में जो है आए दिन जो है लगातार गिरफ्तारियाँ हो रही है, इसके बावजूद भी थमने का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि इसका प्रसार प्रसार बढ़ते जा रहा है। हमारी कोशिश है कि इन पे लगाम लगाया जाए और हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि साइबर का जो यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है हम लोग बहुत जल्द उसको रोक लगाने में सफल होंगे।
नवादा से सनोज कुमार संगम की रिपोर्ट।